पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ फिजिकल मींस फिजिक लुक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. अल्हम्दुलिल्लाह, गुड आंसर. पर्सनालिटी क्या है? फिजिकल लुक प्लस द एट्रीब्यूट्स, द टैलेंट, द स्किल्स. हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्या है? पर्सनालिटी को बनाती है. दोनों का मिक्सचर क्या है? पर्सनालिटी. खाली लुक इज नॉट पर्सनालिटी. फिजिक जस्ट खाली फिजिकली हैंडसम होना, अच्छा दिखना इज नॉट पर्सनालिटी. एक्चुअल पर्सनालिटी इज पर्सोना. एक्चुअल पर्सनालिटी व्हेन यू गॉट क्वालिटीज इनसाइड. आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, आपकी नॉलेज अच्छी है और आपके अंदर सर्टेन क्वालिटीज़ है, आपके एट्रीब्यूट्स जो है वो उस पर्सनैलिटी को बनाते हैं. तो बेसिकली हमारा फिजिकल, हमारी बॉडी और हमारे थॉट्स, ये है पर्सनैलिटी. एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं देख लेता आपको बताता हूँ कि कैसा ये फिजिकल बॉडी और हमारे इंटरनल थॉट्स और इंटरनल क्वालिटीज़ कैसे पर्सनैलिटी को बनाती है. एक एग्जाम्पल लेते, तीन ग्लास है आपके पास. एक ग्लास है जिसमें वाटर एकदम प्योर है, लेकिन ग्लास बहुत डर्टी है, गंदा है, उसमें डस्ट लगी हुई है. ग्लास साफ नहीं है, लेकिन वाटर क्या है? प्योर है. अंदर वाटर तो प्योर था, लेकिन ग्लास को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये ग्लास क्या है? थोड़ा डर्टी है, गंदा है. अब पानी पियोगे? कैन यू टेल मी कोई पानी पिएगा वो? अनलेस एंड अंटिल पैसा मर रहा है तो शायद पी भी ले, ठीक है. लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं पिएगा वो पानी, करेक्ट. सेकेंड चीज, ग्लास बहुत महंगा गोल्ड का ग्लास है, एकदम कॉस्टली ग्लास है, समझे, लेकिन पानी गंदा है. हाँ, तो अच्छा वाला पानी डालना जरूरी है ना. तो लेकिन वो गंदा पानी आप पियोगे क्या? ये बोल के कि गोल्ड का ग्लास है, मैं पानी पी लेता हूँ, आप पियोगे? प्रॉब्लम्स क्या होगी? प्रॉब्लम्स होगी, करेक्ट. प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, करेक्ट, एब्सोल्युटली बीमार पड़ जाओगे आप. तीसरी चीज, ग्लास क्लीन है ना, कॉस्टली इतना ग्लास है, लेकिन ग्लास एकदम नीट एंड क्लीन है और पानी भी क्लीन है, क्या करो? व्हाट इज इट? हाँ, तभी आप क्या करोगे? तीनों में से कौन सा चूज करोगे? थर्ड वाला. आपने गोल्ड को भी, गोल्ड के ग्लास को भी आपने छोड़ दिया, उठा के उसका पानी फेंक के जेब में डाल लो, वो और बात है, ठीक है, वो और बात है. लेकिन वो ग्लास का पानी आप नहीं पियोगे. अब मैं पर्सनालिटी पे आता हूँ. एक पर्सनालिटी दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनल जो पानी है उनका, मतलब इंटरनल जो उसके थॉट्स है, उसकी थिंकिंग है, दैट इज नॉट गुड. थोड़ी सही नहीं है. मतलब आप उसके साथ डील करना पसंद करोगे? नहीं करोगे. दूसरी पर्सनालिटी है जो क्या हो रहा है कि उसके थॉट्स, उसके नॉलेज और क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है वो, कोऑपरेटिव, लेकिन देखने के बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा है. पहले इंप्रेशन में हम लोग बोल रहे, कौन इसके पास बैठेगा, कौन इसके पास बात करेगा? फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ऐसा ही है. शायद हम लोग पहले इंप्रेशन में उसके पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसके लुक ऐसे हैं कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे गंदा ग्लास है. हो सकता है कि वो अंदर से काफी अच्छा हो. तो क्या हो गया कि हमारा एक्सटर्नल लुक, जिसको मेंटेन करना जरूरी है, जो भी ग्लास है, छोटा हो या गोल्ड का ग्लास हो, आपको क्लीन और नीट रखना जरूरी है. और उसके बाद उसके अंदर जो वाटर है, उसको भी नीट और क्लीन रखना, तब जाके लोगों को ग्लास उठाएंगे. यही सेम पर्सनालिटी को, जब आपका लुक और आपके इंटरनल थॉट्स, इंटरनल क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, तो लोग आपको पिक कर लेते हैं. समझ में आया? लैपटॉप का लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल. एक लैपटॉप बहुत स्लीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, एकदम डेलिकेट लैपटॉप है, लेकिन उसके रैम कम है, उसकी हार्ड डिस्क कम है, स्पीड में बहुत वो स्लो है, ठीक है. और दूसरा लैपटॉप है तो थोड़ा मोटा है, थोड़ा ठीक है, लुक भी उसका इतना अच्छा नहीं है,
लेकिन रैम ज़्यादा है, उसकी स्पीड अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अब क्या करोगे? व्हाट विल यू डू गौरव? हाँ, सेकेंड वाला ऑप्ट करेंगे, मेहमान आएंगे तो फर्स्ट वाला और मेहमान चले गए तो सेकेंड वाला। मतलब स्टेटस सिंबल के लिए, सी स्टेटस सिंबल के लिए अच्छा वाला, दिखावे के लिए, लेकिन दिल अंदर से कन्विंस्ड है ये काम का नहीं है। दिस इज कॉल्ड कन्विंसिंग पर्सनालिटी। अंदर से आप खुद कन्विंस्ड हो, दिखने में अच्छा है लेकिन यूज नहीं करूंगा, ये काम का नहीं है। पब्लिक को नहीं मालूम अंदर क्या है, लोग से पब्लिक को क्या लग रहा है वो अच्छा है करके, लेकिन जब पहली बार कोई उसको यूज कर लेगा ना, उसके बाद जो इंप्रेशन हमारे पास आएंगे, किसी ने आपको बोले क्या लैपटॉप खूबसूरत है, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। लेकिन वो लैपटॉप जिसको आप सामने नहीं लेके आओगे लेकिन यूज उसी को करोगे। वी हैव टू स्पीक अबाउट इट्स क्वालिटीज, एक्चुअली वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स क्वालिटीज। और डेफिनेटली इन पीपल सी सम पीपल एंड से दे से तक व्हाई डिड यू चूज दिस लैपटॉप, तो सम पीपल विल से, कुछ लोग बोलेंगे आई चूज दिस लैपटॉप बिकॉज इसका लुक बहुत अच्छा था। लेकिन आप जैसे ही दूसरे सामने वाला उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेगा, बोले क्या आपने उठा के लेके आया, इतना पैसा इसके लिए दिए? एक्चुअली हमको क्या देखना जरूरी है, क्वालिटी देखना, कि हमारा पर्पज क्या है लैपटॉप खरीदने का। अगर हमारा पर्पज, जैसे समीर ने बताया, हमारा पर्पज है लोगों को दिखाना, तो क्या करेंगे हम? अच्छा दे देंगे। लेकिन हमारा पर्पज यूज है तो हम कभी लुक पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि सेम कॉस्ट में अच्छी लुक, अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए तो हम उसको प्रीफर करेंगे। तो हम भी ऐसा ही ढूंढते, हमारे बजट में, हमारे कॉस्ट में ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए या ऐसी अपने को पर्सनैलिटी मिल जाए जो लुक में भी अच्छी हो और नेचर में भी अच्छी हो, क्वालिटीज में भी अच्छी हो। आप वो सोचो कि आप किधर हो, हैंडसम हो, एकदम ब्यूटीफुल हो, टॉल हो, लेकिन परफॉर्मेंस में डफर, या लुक में इतने अच्छे नहीं हो लेकिन इंटरनल क्वालिटीज आपकी इतनी अच्छी है कि एक बार आपको कोई यूज कर ले या एक बार आपसे कोई बात कर ले तो जब भी आपको काम करना हो आप उसी लैपटॉप के पास जाओगे। फिर लुक मायने नहीं रहेगा, मायने रहेगा लुक नहीं। तो लोग कभी कभार ऐसे लोग हम देखते जो दिखने में शायद उतने अच्छे नहीं रहते, शायद हमको देख के उनको ऐसा लगता है कि क्या पर्सनालिटी है, लेकिन एक बार आप उसके साथ में बैठ जाओ, एक बार उनसे बात कर लो आप, फिर भूलोगे नहीं आप उसको, वो क्वालिटीज है उनमें। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पर्सनालिटी एक्चुअली जो थॉट्स हमारे जनरेट हो रहे हैं अंदर, और प्लस हमारी बॉडी, कितने हम फिट है, कैसे हम अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, क्या हमारी फिजिकल वीकनेसेस है, कितने हम एक्टिव है, समझे, कितने हम विजिल है, कितने हम क्विक है, कितने अग्रेसिव है हम कोई काम करने के लिए, ये सारी चीज़ें मिलके क्या हो जाती है, पर्सनालिटी। कभी कई चीज़ें लोग देखते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन हम उसको देखने के बाद बोलते हैं बहुत डल है या ये डंप है, बोरिंग है। आप किसी अच्छी हैंडसम आदमी को देखते हो और बाद में सडनली उसके बारे में ये बोल देते कि ये बोरिंग है, ये पर्सनालिटी बोरिंग है, बहुत एरोगेंट है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एरोगेंट? प्राउडी टाइप, बिग हेडेड, जो खुद को सब कुछ समझता है, तो थोड़ा लिटिल एरोगेंट हो जाते। तो ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स हमारे क्या होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो जो थॉट्स है और जो नॉलेज है हमारा, वही नॉलेज हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है।